हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को नीट का पेपर क्लियर करवाएंगे। तो आज इसमें आपको नीट का पेपर है जिसको आपको क्लियर करना है। तो चलिए गाइस, नीट का पेपर आपको हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए, रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरगोविंद खुराना, ग्रिफिक्स, आरसी और चेस, अबरी मैकलॉड और मैकार्टी। तो इसका राइट आंसर है ग्रिफिक्स, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए हम आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करवाते हैं। तो सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, संबंध काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते। संबंध काय किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, जीवाणु, पादप, कवक, जंतु। ये वाला आपको कमेंट करके बताना है, ये वाला आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है अपना, एटलस एवं एक्सिस के बीच के जोड़ किस प्रकार का होता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन है, सेंट्रल जोड़, रेशे जोड़, उपस्थि युक्त जोड़, साइनोबिलियन जोड़। तो इसका राइट आंसर है थर्ड वाला, उपस्थि युक्त जोड़, थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। तो चलिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। फोर्थ नंबर है आपका, स्टोन H1 का केंद्र का संबंध क्या निर्देशित करता है। तो इसमें भी आपको चार ऑप्शन दिए गए, डीएनए के द्विखंडीय तनावृत्त अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृत हो रहा है, डीएनए क्रोमेटिन रेशों में संघनित है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, अनुलेखन हो रहा है। तो चलिए आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। फिफ्थ नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, पुष्पा, जाइलम मृदूतक, स्थूल कोणक, काग। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है, इसका आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। चलिए आपका सिक्स नंबर करवाते हैं। सिक्स नंबर आपका है, आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण उचित मार्ग का चयन कीजिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बृषण शुक्रवाहिकाएं, प्रक्पिडल नाल, मूत्रजनन वाहिनी, अवस्कर। ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड वाला ऑप्शन है, बृषण पिडल नाल, प्रक शुक्रवाहिकाएं, मूत्रजनन वाहिनी, अवस्कर। ये वाला आपका सेकंड आंसर है। ये वाला आपका थर्ड है, बृषण शुक्रवाहिकाएं, प्रक शुक्रकाएं, मूत्रजनन वाहिनी, अवस्कर। ये वाला आपका थर्ड वाला है, सिक्स नंबर का ये आपका थर्ड वाला है। और ये फोर्थ नंबर का आपका है, बृषण शुक्रवाहिकाएं, पीडनाल, मूत्रवाहिनी, अवस्कर। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, बृषण पीडनाल, प्रक शुक्रवाहिकाएं, मूत्रजनन वाहिनी, अवस्कर। ये वाला इसका राइट आंसर है थर्ड, सेकंड वाला। तो चलिए आपका सेवन नंबर करवाते हैं। सेवन नंबर आपका है, वयस्क मानव की आरबीसी का केंद्र क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है, ये कायिक कोशिकाएं हैं, ये उपापचय नहीं करती, इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संपन्न के लिए संबंध है। तो इसका आपका कौन सा राइट वाला आंसर है वो आप कमेंट करें, लेकिन ये वाला हम आपको नहीं बताएंगे, आप इसको कमेंट कर सकते हैं, इसको आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको एट नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। तो एट नंबर क्वेश्चन है आपको, पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में संयुग्मजी किस प्रकार का प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं से संगल द्वारा, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा, विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा। तो एट नंबर का आपका राइट आंसर है सेकंड वाला, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है, एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा, ये वाला आपका राइट आंसर है। तो चलिए आपको नाइन नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। नाइन नंबर है आपका, मानव शरीर में कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि अस्थाई है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, अंडाम पिंड, पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी पिंड, पोतक पिंड। तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका नाइन नंबर का पिनियल ग्रंथि वाला ठीक है, राइट आंसर है ये वाला आपका राइट आंसर है सेकंड वाला। चलिए आपको टेन नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। टेन नंबर है आपका, बीरोइड विषाणुओं से भित्र है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन अवस्था के आरएनए अणु होते हैं, प्रोटीन अवस्था के साथ डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं। तो टेन नंबर का आपका राइट कौन सा, ये वाला आप खुद बताएंगे हमें कमेंट करके, ये आपका कमेंट करके हमें बताएंगे।